कोई का सपना होता है, पर इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। आजकल मैं इन्हीं चुनौतियों का सामना कर रही हूँ। घर का जो इम्पोर्टेंट एरिया होता है वो होता है किचन। तो आजकल मेरे किचन में वर्क चल रहा है, तो चलिए देखते हैं मेरे न्यू किचन में क्या वर्क हुआ है क्या नहीं। ये मेरा किचन है जो तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये पूरा तैयार नहीं हुआ है, अभी आधा अधूरा ही है। तो अभी इसमें बहुत कुछ होना बचा है। तो सबसे पहले बात करते हैं किचन की। तो किचन को मैंने ओपन किचन बनवाया है जो कि हॉल से अटैच है, ये देखिए इस तरह से। और ये जो है ये काउंटर स्लैब है। तो मैंने जो भी आजकल लेटेस्ट चल रहा है उन सारी चीज़ों को मैंने अपने किचन में, किचन को डिज़ाइन करने में कोशिश किया है डालने का। तो जो भी संभव था मैंने इसमें किया है, इस तरह से देखिए। तो सबसे पहले जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था किचन को लेके, जब भी छोटी से छोटी चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जब पेंट करना था तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, कैसा पेंट करूँ। एक तो ये हॉल से अटैच है, कभी लगा कुछ अलग सा पेंट करूँ, लेकिन फिर लास्ट में मैंने हॉल से ही मैच करता हुआ पेंट करवाया। चूँकि ये हॉल से है और ओपन है, तो इसलिए मैंने हॉल का और किचन का कलर एकदम सेम रखा है, इस तरह से देखिए। उसके बाद मैंने स्लैब पे भी बहुत ज़्यादा सोचा कि किस कलर का स्लैब रखूँ, वाइट रखूँ, बल्कि वाइट मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन वाइट में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये दिख रहा था कि आप कितना भी अच्छा पत्थर लगा लो, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं दाग दिख ही जाता है। तो इसलिए मैंने सिंपल जो ब्लैक ग्रेनाइट होता है उसे मैंने लगवाया है। और ब्लैक कलर होने से एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम मॉड्यूलर बनवा रहे हैं तो हमें माइका का कलर चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई भी कलर आप डालो ब्लैक के साथ अच्छा लगता ही है। तो इस चीज़ को देख के मैंने अपने स्लैब में ब्लैक ग्रेनाइट लगवाया है। और विंडो भी जो है मेरा एकदम डीप कलर में है, जो जो कॉफ़ी कलर होता है उसका भी बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम डीप कलर है जो दूर से ब्लैक जैसा ही लगता है। तो इस तरह से मेरे स्लैब से मैच भी कर रहा था। और स्विच बोर्ड को भी मैंने ब्लैक रखा है, ये देखिए। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए मैंने स्लैब को ब्लैक रखा है। और जब फर्श पे टाइल्स लगाने की बात हो रही थी तो मुझे जो लगता है कि फर्श पे हमेशा ना लाइट कलर का ही टाइल्स यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक तो लाइट कलर अच्छा लगता है और दूसरा लाइट कलर होने की वजह से ना कोई भी रूम हो, किचन हो, वो ना स्पेसेस दिखता है, वो बड़ा सा दिखता है। तो इसलिए मैं एक ऐसा टाइल्स चाह रही थी जिसको वो ईजी वे में मेंटेन कर सके और वो लाइट कलर भी हो। तो इसलिए मैंने इस टाइप का टाइल्स लिया है जो लाइट कलर होने के साथ साथ, अगर ये गंदा भी होता है तो गंदा दिखता नहीं है और लाइट कलर भी है। और सिंक मैंने स्टील दिया, एकदम स्टील में दिया है, चूँकि ये ब्लैक था इसलिए मैंने स्टील दिया, ब्लैक कलर में मैंने नहीं दिया है कि इसे थोड़ा सा भी क्लीन, एक तो इसे मेंटेन करना इजी है, थोड़े से क्लीनिंग में ही एकदम अच्छे से चमक जाता है। और उसके बाद ऊपर के जो एरिया है यहाँ पे भी मैंने लाइट वुडन टाइल्स दिया है। एक तो मुझे वुडन कलर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ लाइट कलर दिया है। ब्लैक स्लैब था इसलिए मैंने लाइट वुडन दिया है। और ये भी एक ऐसा कलर है जिसमें जिसे आप इजी वे में मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गंदा जल्दी पता नहीं चलेगा। और ये एक लाइट कलर भी हो गया। ऐसे जनरली लाइट कलर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, मैं जब किचन बनवाने, मतलब जब भी मेरा किचन तैयार हो गया था, मतलब ब्रिक वर्क्स हो गया था, अभी टाइल्स स्लैब ये नहीं हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम ये फेस किया कि जो इलेक्ट्रिशियन का काम था तो मैंने अपने हिसाब से बस स्विच बोर्ड दे दिया। लेकिन बाद में जब कारपेंटर से मैंने डिस्कशन किया तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ नहीं, हमें थोड़ा सा इधर देना चाहिए था। तो आप जब भी अपना किचन बनवा रहे हो तो आप, मैं तो ये कहूँगी कि इलेक्ट्रिशियन का काम कराने से पहले एक बार प्लम्बर से और ख़ास तौर पे कारपेंटर से ज़रूर डिस्कशन कर लें
कि कहाँ आपको क्या देना है, कौन सा पॉइंट कहाँ देना सही रहेगा। हम अपने मर्ज़ी से तो दे देते हैं, बाद में कारपेंटर ये करते हैं कि नहीं यहाँ नहीं बन सकता, यहाँ ये होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके साथ, अगर आप भी किचन बनवा रहे हैं तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखिए मैंने आरओ का पॉइंट दिलवाया है और सामने एग्जॉस्ट था, और इधर छोटा सा एरिया मुझे मिल रहा था तो मैंने यहाँ फ्रिज के लिए पॉइंट दिलवा दिया क्योंकि ये एरिया मुझे सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट लग रहा था फ्रिज के लिए। और एक दो स्विच बोर्ड मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर आप इंडक्शन चला रहे हो या मिक्सी चला रहे हो या माइक्रोवेव हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से अभी आधा अधूरा ये किचन मेरा बना है, अभी मॉड्यूलर किचन बनना बाकी है और अभी बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारा दिमाग लगाना है। तो अब जो आगे काम होना है वो कारपेंटर का काम है और वो बहुत रिस्की काम है, उस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरह से मैंने जो भी मुझे कमी दिख, मुझे समझ में आया, इतना दिमाग लगाने के बाद भी कई चीज़ें होती हैं ना, बनने के बाद समझ में आता है कि यहाँ ये कमी था, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, तो उस टाइप से मुझे बहुत कुछ अब दिख रहा है। तो वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके साथ वो प्रॉब्लम ना हो। ऊपर भी देखिए सीलिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का पीओपी वर्क करवाया है, तो ऊपर का सीलिंग वाइट था तो मैंने उस पर थोड़ा सा डीप कलर, ब्राइट टाइप का जो कलर होता है उससे मैंने कलर करवाया है। ये देखिए जो हल्का ऑरेंज से मिलता जुलता होता है। अब जो आगे का काम होना है वो कारपेंटर का है, अब देखते हैं उसमें कैसे क्या होता है। तो वो सारा अपडेट मैं आप लोग को देती रहूँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे और यूज़फुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्रिएशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।